नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आप सब भगतगण चारधाम यात्रा की एक नई अपडेट की काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों हमने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कल जो है एसोसिएशन वालों ने एक जगह एकत्रित होकर एक मीटिंग करी, तथा आज उन्होंने जो है मीटिंग सरकार के समक्ष भी करनी थी तथा अपनी जो मांगे हैं वह रखनी थी। इसी के ऊपर दोस्तों हमने यह वीडियो बनाया है, कृपया वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम व हमारे चैनल की टीम द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आप में से ही 5 भक्तों को बाबा केदारनाथ धाम जी की यात्रा व दर्शन निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में लिखना है, डन हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि कल जो है एसोसिएशन वालों ने एकत्रित होकर एक मीटिंग की थी तथा कुछ मांगे सरकार के सामने रखने का आज बोला था। तो आज जो है, आज सरकार के साथ एसोसिएशन वालों ने मीटिंग की है तथा अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जो कि इस प्रकार है। पहली जो मांग थी एसोसिएशन वालों की, वह यह थी कि जो केदारनाथ धाम जी के स्लोट्स हैं वो 800 हैं जो कि फुल हो चुके हैं, उन्हें बढ़ाकर 3000 कर दिया जाए। सरकार ने आश्वासन तो दिलाया है कि स्लोट्स बढ़ा दिए जाएंगे, परंतु सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 3000 तक तो नहीं बढ़ाए जाएंगे, परंतु जो हैं थोड़े से स्लोट्स जो हैं वो आने वाले एक अक्टूबर के बाद जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। इस मीटिंग के अंदर यह भी बात रखी गई कि जो अभी रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है चारधाम यात्रा को लेकर, वो ऑनलाइन हो रहा है, तथा जैसे सबसे पहले जैसे रजिस्ट्रेशन होता था ऑफलाइन होता था, वैसे ही रजिस्ट्रेशन करने की मांग भी रखी गई है। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, परंतु एसोसिएशन वालों का कहना ये है कि जो भी फैसला होगा वो 1 अक्टूबर को ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा। हो सकता है दोस्तों कि जो रजिस्ट्रेशन है वह ऑफलाइन हो जाए तथा फिजिकली जो है वो हो। तथा दोस्तों, एक चीज़ और है जो मुझे आपको बताना ज़रूरी है। जैसे कि आज मैंने देवस्थानम बोर्ड में भी कॉल किया था कि उनकी जो साइट है वो बंद चल रही है, तो दोस्तों उसमें भी एक चीज़ और क्लियर हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कई भक्तों ने जो वेरिफिकेशन जब उन्होंने पासबुक कराना था, तो उन्होंने वहाँ पर जो है पहले अपना आधार कार्ड डाल दिया, बाद में जहाँ पे कोविड की रिपोर्ट डलनी चाहिए थी या फिर जो आपके दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट डलने चाहिए थे वहाँ पर उन्होंने जो आधार कार्ड डाला है। तो ऐसा है दोस्तों, जो साइट है वो अपडेट हो रही है, अब आप कुछ भी वहाँ पर गलत जो डॉक्यूमेंट है वो डालकर स्लॉट बुक नहीं कर पाएंगे। जैसे स्लॉट खुलेंगे आपको एकदम सही कागज़ जो है वो वहाँ डालने पड़ेंगे, तभी आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। तथा जिन्होंने अभी कर लिए हैं, तो उनके लिए भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यदि आपने कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप अपने साथ जो है अगर आपके दोनों डोज लग चुकी है उसका सर्टिफिकेट कैरी कर लीजिए, नहीं तो आप जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो वो आप साथ कैरी करके जाएं उत्तराखंड, क्योंकि यदि उनकी चेकिंग में जो है डॉक्यूमेंट्स आपके फर्जी या गलत निकले तो आपके ऊपर वहाँ पर मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि साइट पे भी प्रॉपर लिखा हुआ है, ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि आप अगर यहाँ पे कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट्स डालेंगे तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, मेरा तो कहना बस आपको यही है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने कर भी दिया है परंतु अपने डॉक्यूमेंट फिर भी अपने साथ रखिएगा, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आपका आधार कार्ड है, सब कुछ आप लेके जाएँ वहाँ पर। बाकी दोस्तों, यह तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि जो स्लॉट्स हैं स्लॉट्स बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। तथा दोस्तों, बाकी अभी 1 तारीख को जो फैसला आना है उसके ऊपर दोस्तों सिर्फ देखना बाकी है कि वो फैसला क्या लेते हैं सरकार, ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जैसा भी होगा दोस्तों। बाकी दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने सुबह वीडियो डाला था कि ट्रैवल एजेंट है वो बुक कर रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, उनके पास भी स्लॉट फुल हो चुके हैं, वो भी अब बुकिंग नहीं कर पाएंगे। उनका 255 सीट्स ही जो थी पड़ी हुई थी पूरे अक्टूबर महीने की, वो भी उनकी फुल हो चुकी हैं, तो अब वो भी जो है वो भी नहीं कर पाएंगे। परंतु जैसे ही किसी और ट्रैवल एजेंट का मेरे पास नंबर निकल के आएगा तो दोस्तों मैं वो नंबर आपको ज़रूर दूंगा। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी भाई जो चैनल पर नए आए हैं, कृपया वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम अपने चैनल पर यात्रा व यात्रा से जुड़ी हर प्रकार की वीडियोज़ जो है वो लेकर आते रहते हैं, तथा सबसे पहले जो जानकारी जो भी आएगी मेरे पास दोस्तों, अपडेट आएगी, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। जैसे ही स्लॉट खुलने वाली होगी उससे 1 दिन पहले मैं आपको पूरी जानकारी है और तथा समय भी आपको बता दूंगा कि किस समय आप जाकर बुकिंग करें, ताकि आपको जो है स्लॉट आप प्रॉपरली बुक कर पाएँ। पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं ट्रैकिंग पर जा रखा था श्रीखंड कैलाश की, तो वहाँ पर टावर नहीं थे तो मैं आपको नहीं बता पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। परंतु अब की बार दोस्तों मैं अपने घर पर ही हूँ, तो दोस्तों आपको पूरी जो है जानकारी मैं स्लॉट बुकिंग की भी दे दूंगा। धन्यवाद, हर हर महादेव।